हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस एंड टुडेज अवर टॉपिक इज परसेंटेज। यस, सीसेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो प्रीवियस ईयर का अगर आप एनालिसिस करते हो देन यू गेट कि परसेंटेज पे 2 to 3 क्वेश्चंस एग्जाम में एवरी ईयर आ ही जाते हैं। और आप ये मान के चलो कि अगर हम टोटल देखें एग्जाम को तो उसके अंदर डीआई के अंदर भी आपका परसेंटेज का कंसेप्ट आ जाता है। और आप ये कहिए कि कोई दूसरा कोई भी टॉपिक चल रहा है, लाइक आप ये कह सकते हो कि नंबर सिस्टम के अंदर परसेंटेज का कंसेप्ट आ जाता है, टाइम एंड वर्क के अंदर परसेंट का कंसेप्ट आ जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस पे परसेंट का कंसेप्ट आ जाता है। तो परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस, तो परसेंटेज को आपने अच्छे से सभी ने करना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यस, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2015 का क्वेश्चन है। ये क्या है? इन ए टाउन 45% पॉपुलेशन रीड मैगजीन ए, 55% रीड मैगजीन बी, 40% रीड मैगजीन सी, 30% रीड मैगजीन ए एंड बी, 15% रीड मैगजीन बी एंड सी, 25% रीड मैगजीन ए एंड सी एंड 10% रीड ऑल द थ्री मैगजीन्स। तो आप एक तरह से देखें तो हमारे पास में देखिए वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, सेट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो। तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या क्या गिवन है आपके पास में, पर्टिकुलर नंबर ऑफ पर्सन गिवन है परसेंटेज वाइज ए बी सी। ओके, उसके बाद में ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास गिवन है, बी इंटरसेक्शन सी गिवन है एंड सी इंटरसेक्शन ए गिवन है। इसके अलावा हमारे पास में क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी गिवन है। ओके, तो यहाँ से हम टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी आप फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। हमें पता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ अगर हम देखते हैं, दिस इज ए प्लस बी सी माइनस माइनस व्हाट, इंटरसेक्शन ऑफ टू। अब देखिए अगर मैं वेन डायग्राम इसका बनाती हूं तो देखिए इस तरह से बनेगा, ये हो गया ए बी एंड सी। अब दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ना, तो ये दोनों के अंदर कॉमन है तो कॉमन के अंदर से एक तो आपको माइनस करना पड़ेगा ना, ठीक है। सो हम माइनस कर देते हैं इसके अंदर से, तो ये हो गया हमारे पास, तीनों को मैंने ऐड किया, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो दो के अंदर आपका कॉमन है उसके अंदर से हमने एक को माइनस करना है, तो हम क्या लिखते हैं फिर, ए इंटरसेक्शन बी, यस, माइनस B इंटरसेक्शन C, देन माइनस C इंटरसेक्शन A, यस, ये हमने माइनस करना है। आफ्टर दैट अब ये देखिए कि मैंने इसको भी माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया, रटा नहीं लगाना आपने फॉर्मूले का, तो इसके अंदर से ये वाला जो पार्ट है ये हमारा माइनस हो गया, बट हमें तो ये भी तो चाहिए ही, तो हम क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे। दैट मीन्स वट कि एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सिंपल है, जस्ट पुट द वैल्यूज। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ए की क्या है आपके पास में, दिस इज 45%, देन 55%, देन 40%, देन दिस इज यस 30 हो गया, 40 हो गया आपके पास में, 40 के बाद कह रहे 30% ए एंड बी, सो दिस इज 30% माइनस 15% माइनस 25%, यस, एंड देन वी विल ऐड दिस 10%। ओके, क्लियर है क्यों हमने ऐड किया, क्यों माइनस किया, क्योंकि ये जो हमारे पास में जो कॉमन पार्ट था ये दोनों में आ रहा है, ए और बी दोनों के अंदर, तो एक को हमें माइनस करना था इसलिए हमने माइनस किया ये पार्ट, ठीक है। उसके बाद में हर बार माइनस करते टाइम हमारा ये वाला पार्ट स्किप हो रहा था, तो इसको हमें ऐड करना है, तो उसको हमने ऐड कर दिया। ओके, सो यहाँ से हम इसको अगर टोटल करते हैं तो अपने पास में देखिए वैल्यूज क्या आ जाएंगी, ये देखिए अपने पास आ जाएगा, ये हो गया 40, 40 से ये 40 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, दिस इज 180, यस दिस इज 80%। ओके, कितना आ गया आपके पास, 80% आ गया। अब देखो जो 80% है वो क्या है, जो कि मैगजीन को रीड करते हैं, बट द क्वेश्चन इज व्हाट परसेंट डू नॉट रीड एनी मैगजीन, जो किसी भी मैगजीन को रीड नहीं करते, ठीक है। तो हमें पता है कि जो टोटल है, टोटल इज ऑलवेज 100%, कितना होता है 100% है,
और हमने अब क्या फाइंड आउट कर रहा है, जो रीड नहीं करते, ठीक है ना। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, हमें पता है कि भाई जो ए यूनियन यस ए यूनियन बी यूनियन सी इज 80%। ओके, तो जो रीड नहीं करते वो कितना आ जाएगा आपके पास, 100 माइनस 80, दैट मीन्स 20% पीपल ऐसे हैं जो तीनों में से किसी भी मैगजीन को रीड नहीं करते। सो आंसर विल बी 20%। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, क्लियर है सभी को? ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए टेस्ट ए कैंडिडेट अटेम्प्ट ओनली 8 क्वेश्चंस। एक कैंडिडेट ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कह रहे कि 8 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए हैं एंड स्कोर 50% मार्क्स इन द ईच ऑफ द क्वेश्चन। इफ ही ऑब्टेन्ड ए टोटल ऑफ 40% इन द टेस्ट एंड ऑल द क्वेश्चन इन द टेस्ट कैरिड इक्वल मार्क्स, हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। कह रहे बताओ टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चंस थे। यस, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि टोटल 8 क्वेश्चन किए और हर एक के अंदर उसको 50% मार्क्स मिले, ठीक है। अगर हम ये मान के चलें कि भाई जो एक क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे परसेंटेज में, तो हम 100 मार्क्स का ले लेते हैं, ठीक है। 100 का ले लो आप, 10 का ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे कैलकुलेशन को कम करने के लिए मैं 100 ले लेती हूँ, ठीक है। तो अभी कह रहा है कि 8 क्वेश्चन है, दैट मीन्स कि टोटल जो मार्क्स हो गए कितने हो गए, 800। हम ये मान के चल रहे हैं कि वन क्वेश्चन इज ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। अब यहां पे उसने क्या कहा है कि इफ द कैंडिडेट अटेम्प्ट्स ओनली 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए तो 100 मार्क्स के हो गए, बट इसके अंदर से उसके आए कितने हैं, 50% आए हैं, दैट मींस कि उसके, हाँ जी कितने आए, 400 मार्क्स आए। कितने आगे, 400 मार्क्स आगे, बट ही ऑब्टेन्ड ओनली 40% ऑफ द टेस्ट। कह रहा है कि ये जो 400 है ना, दिस इज ओनली द 40%, दैट मीन्स बट कि 40% ऑफ टोटल, ये टोटल ऑब्टेन्ड मार्क है, ठीक है ना। 40% ऑफ टोटल इज इक्वल टू व्हाट, यस ये क्या कह रहा है कि 40% ऑफ टोटल इज 400। अब आपके पास में टोटल कह रहा है कि कितने सब्जेक्ट होंगे, तो टोटल कितने सब्जेक्ट होंगे, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया 10 से, क्लियर। दैट मींस कि जो टोटल मार्क्स है वो कितने आने चाहिए उसके, 1000। और हमें पता है कि वन क्वेश्चन इज ऑफ 100 मार्क्स, दैट मींस कि टोटल सब्जेक्ट्स कितने होंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 100, दैट मींस 10। ओके, सो आंसर विल बी 10। हाँ जी, क्लियर है सभी को? यहाँ पे जरूरी नहीं आप इसको 100 लो, इसको 1 मार्क्स का भी आप ले सकते हो। 1 मार्क का मैंने इसलिए नहीं है कि आपको पॉइंट में आपका ना आए, ठीक है ना, कि कैलकुलेशन अपने इजी रहे, तो हम इसको डायरेक्ट 100 भी ले सकते हैं। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2015 का क्वेश्चन है। कह रहा है कैंडिडेट इन ए कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन कंसिस्ट 60% मैन एंड 40% वुमेन। एक एग्जाम है जिसके अंदर 60% क्या है, मैन है और 40% वुमेन है। 70% मैन एंड 75% वुमेन क्लियर्ड द क्वालिफाइंग टेस्ट एंड एंटर्ड इन द फाइनल टेस्ट, वेयर एज 80% मैन एंड 70% वुमेन वर सक्सेसफुल। यस, नाउ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसके अंदर से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। यस, अब देखो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि टोटल अपने पास में क्या है, 100% पीपल है, ठीक है ना। 100% मीन्स 100 है, ठीक है। अब 100 के अंदर से हमने ये कंसिडर क्या कर लिया कि टोटल कितना है, 100 है, ठीक है, क्योंकि सारा परसेंटेज में है। तो अगर हम 100 कंसिडर करते हैं देन हमारी कैलकुलेशन काफ़ी कम हो जाएगी, पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आए, इसलिए हमने क्या लिया है, 100। अब इसमें से कहते हैं 60% क्या, मैन 60%, तो 100 का 60% कितना हो गया, 60, एंड 40% वुमेन, क्लियर। अब ये जो है 100 के अंदर, ये आपके
नंबर ऑफ पर्सन है। अब उसके बाद में कह रहा है कि 70% ऑफ मैन एंड 75% ऑफ वुमेन क्लियर द क्वालिफाइंग टेस्ट। अब जो मैन है, मैन कितने हमारे पास 60, अब इस 60 के अंदर से कह रहा है कि 70% मैन, 70% मैन जिन्होंने क्वालिफाई किया है, तो क्वालिफाइंग क्लियर किया एग्जाम, तो वो कितने हो गए आपके पास 42, कितने हो गए आपके पास 42 जिन्होंने क्वालिफाई किया है। अब कह रहा है कि अनक्वालिफाई जिनका क्लियर नहीं हुआ वो कितने रह गए 30%, दैट मींस कि 18 ऐसे हैं जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं, कह रहे 75% ऑफ वुमेन, अब इसका 75%, अब जिनका एग्जाम क्लियर हुआ है 75%, दैट मींस कितनी हो गई 30 वुमेन का क्लियर हो गया, और जिनका क्लियर नहीं हुआ वो कितनी रह गई 25%, दैट मींस दिस इज 10। ओके, अब उसके बाद में कह रहा है कि एंटर्ड इन द फाइनल टेस्ट, दैट मींस कि ये फाइनल टेस्ट के अंदर गए हैं और वुमेन के अंदर से 30 वुमेन फाइनल टेस्ट के अंदर गई हैं। इसमें से भी कह रहा है कि 80% मैन एंड 70% वुमेन वर सक्सेसफुल। 80% मैन इसका जो है 80% सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है, दैट मींस ये अपने पास में वैल्यू होगी 33.6। ठीक है, अब ये मत कहना कि हाँ जी जो मैन है वो पॉइंट्स में कैसे आ गए, क्योंकि हमने जस्ट वैल्यू कंसीडर करी थी, तो कह रहा है कि 33.6% जो पर्सन है वो क्या हो गए हमारे पास में सक्सेसफुल है। अगर हम वोमेन का देखें तो कह रहा है 70%, इसका 70% कितना हो गया आपके पास 21, दैट मीन्स कि अगर मैन है, मैन कितना 33.6 मैन एंड वोमेन सक्सेसफुल कितनी है 21। ओके, नाउ अब हम स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहा है सक्सेस रेट इज हायर फॉर वुमेन, कहता है वुमेन्स के लिए सक्सेस रेट हायर है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैन का कितना है 33.6 है, ठीक है, और इस वुमेन का कितना है 21, दैट मींस क्या है कि वुमेन का हायर नहीं है, दिस इज रॉन्ग। ओके, अगर हमने पर्टिकुलर रेट अगर फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हैं कि कितने मैन थे हमारे पास 60 के अंदर से, 60 के, वैसे तो आपका डायरेक्टली ही दिख रहा है, बट फिर भी अगर कैलकुलेशन आप करना चाहते हो तो रेट कैसे निकालेंगे, सक्सेस रेट कितना है हमारे पास में, इतने मैन सक्सेस है, ठीक है, आउट ऑफ कितना है 60 × 100। ओके, तो मैन की अगर हम सक्सेस रेट देखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 56% आ गया, ठीक है जी, कितना आ गया 56%, ये किसका है मैन का। अगर हम वुमेन का देखें तो वुमेन का सक्सेस रेट कैसे होएगा, जितनी भी वुमेन सक्सेस हुई है कितनी है 21 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वुमेन इनटू 100। ओके, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में कितनी होगी 4×5 = 20, और ये हो गया अपने पास में 4×2 = 8 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, 52 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि जो मैन है, मैन की सक्सेस रेट ज़्यादा है एज कंपेयर टू वुमेन। ओके, तो पहला अपना रॉन्ग हो गया, वैसे तो यहाँ से आप डायरेक्टली ही देख पा रहे थे, बट फिर भी अगर सक्सेस रेट की बात हो रही है, अगर मान लो कोई इस तरह का डीआई में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने आपको वो बता दिया। ओके, नेक्स्ट इज ओवरऑल सक्सेस रेट इज बिलो 50%। अब देखो वो हमारा काम आ गया, कह रहा है कि ओवरऑल जो है वो 50% से कम है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज 56% एंड दिस इज 52%, या ओवरऑल अगर हम देखें तो ये 33 + 21 टोटल था 100 में से कितना बन रहा है आपके पास में 54 के आसपास बन रहा है टोटल, तो ये भी आपका रोंग हो गया। ठीक है, थर्ड, मोर मैन क्लियर्ड एग्जामिनेशन देन वुमेन, यस मोर मैन, यहाँ पे 33.6 आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे 21 आ रहा है, दैट मीन्स कि मैन के जो क्लियर है वो ज़्यादा है, तो थर्ड वन विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी अबव करेक्ट, ए और बी तो हमने देखा रॉन्ग है दोनों, सो आंसर विल बी सी। ओके, यस, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज ऑर्डर ऑफ 19,000 क्वांटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम ए कस्टमर, दिस 20 इज नॉट हेयर, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से शुरू है, हाँ जी, क्या है
there is an order of 19,000 quantity of a particular product from a customer. The firm produce 1,000 quantity of that product per day. Yes, कह रहा कि एक दिन के अंदर कितना कर रही है 1,000 produce कर रही है. Out of which 5% are unfit for sale. In how many days will the order be completed? कह रहा कि बताओ order कितने दिनों में complete होगा. Question is clear. कह रहा कि कितने का order मिला है. Order total कितना order है आपके पास में. Is 19,000. Okay. अब one day के अंदर कितने product बन रहे हैं आपके पास 1,000. अब इसमें से जो fit है, fit for sale, ये कह रहा है कि 5% are unfit for sale. 5% unfit है. That means कि जो हमारे पास में product है, जो कि आपके order के अंदर consider किए जाएंगे, वो कितने हो गए? 95% हो गया. ओके, 5 हमने माइनस कर दिया तो कितना रह गया 95%. दैट मींस कि हमारे पास में सिर्फ 950 ऑर्डर तैयार हो रहा है, प्रोडक्ट तैययार हो रहा है. कितने दिनों में? वन डे में. अब ये कह रहा है कि बताओ ऑर्डर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा. तो कितना टाइम लगेगा आपके पास में? यस, टोटल है आपके पास 19,000 एंड ये हमारे पास में, ठीक है, हो गया आपके पास 20 डेज. ओके, सो आंसर विल बी सी 20 डेज. हाँ जी, क्लियर है सभी को? सिंपल क्वेश्चन था. अब देखो, अब यहां से आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस का जो लेवल है, अभी हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं तो लेवल कुछ खास नहीं है, ठीक है. जस्ट सिंपल सा कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे उसने कहा 5%, तो हमने क्या इस 5% में नहीं उलझना, क्या करना है? उसने कहा वो तो अनफिट है, तो फिट कितने हो गए? रिमेनिंग. और टोटल इज ऑलवेज 100%, सो 100% के अंदर से 5% माइनस किया, दैट मीन्स ओनली 95% आर फिट फॉर सेल. ओके, सो 95% हमारा 1000 का कितना हो गया? 950. दैट मीन्स वट कि 950 प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड इन वन डे, ठीक है. और अब यहाँ पे हमें देखना नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट कर रहे हैं. टोटल इज 19,000 एंड इन वन डे वी प्रोड्यूस 950, ठीक है ना. तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास? 20 डेज. ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है. अब 2016 है. कह रहे कि अनिताज मैथमेटिक्स टेस्ट है 70 प्रॉब्लम्स. अनिता की मैथमेटिक्स टेस्ट प्रॉब्लम नहीं है, 17 प्रॉब्लम्स कैरिंग इक्वल मार्क्स, 10 अर्थमेटिक. यस, टोटल है अपने पास में 70, जिसके अंदर से अर्थमेटिक की कितनी है 10, 30 एलजेब्रा, 30 ज्योमेट्री एंड टोटल इज 70. ओके, 70 हो गया. ऑल द सी आंसर्ड 70% ऑफ अर्थमेटिक. अब इसके अंदर से उसने आंसर कितना किया? कह रहा 70% ऑफ अर्थमेटिक, ये थे टोटल. अब आंसर किसने कितना किया उसने? 70% ऑफ अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, 40% ऑफ एलजेब्रा प्रॉब्लम एंड 60% ऑफ ज्योमेट्री प्रॉब्लम. डन. आगे गिवन है आपके पास में प्रॉब्लम्स करेक्टली. ये इसका क्या है? करेक्ट आंसर किया जिसका. शी डिड नॉट पास द टेस्ट, बट वो फिर भी टेस्ट को पास नहीं कर पाई है. उसके बाद कह रहा है शी गोट लेस देन 60% मार्क्स, दैट मीन्स कि क्वालिफाइंग परसेंटेज इज 60%, बट सी डिडेंट क्वालिफाई द एग्जाम, दैट मीन्स कि सी डिडेंट गेट द मार्क्स 60%. ओके, द नंबर ऑफ मोर मार्क्स सी वुड हैव टू आंसर करेक्टली टू अर्न 60% पासिंग मार्क्स. इज कह रहे कि 60% मार्क्स लेने के लिए उसको कितने और मार्क्स चाहिए. यस, दिस इज द क्वेश्चन. अब पहले देखो कि उसके मार्क्स आए कितने हैं, ठीक है. कितने मार्क्स आए हैं यहाँ से हमारे पास में? ये हो गया 7. डन. यहाँ पे अपने पास में ये हो गया 12 और ये हो गया आपके पास 18. डन. दैट मीन्स कि उसके जो टोटल मार्क्स ऑब्टेंड हैं वो कितने आ गए आपके पास? ये हो गया 30, 37 मार्क्स आ गए उसके.
बट 60% रिक्वायर्ड है. रिक्वायर्ड कितना है? 60% रिक्वायर्ड है. 60% रिक्वायर्ड है. दैट मीन्स कि कितना रिक्वायर्ड है? 60% ऑफ टोटल. टोटल कितनी प्रॉब्लम है अपने पास में? 70. एंड वी कंसीडर दैट वन प्रॉब्लम इज ऑफ वन मार्क्स. ओके, तो यहां पे आप देख रहे हो कि उसको ये कह रहा है कि आपके पास में उसको चाहिए 60% मार्क्स चाहिए. तो 60% कितना हो जाएगा आपका? 60% ऑफ 70. कितना चाहिए उसको? 60% चाहिए उसको. डन. कितने में से कितनी प्रॉब्लम्स हैं? 70 प्रॉब्लम्स है. दैट मींस शी रिक्वायर्ड 42 मार्क्स, बट सी हैज गेट 37 मार्क्स. दैट मींस कि कितने और मार्क्स चाहिए उसको? रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू व्हाट? 42 माइनस 37, दैट मींस 5 मार्क्स. इफ शी गेट 5 मार्क्स देन सी विल क्वालिफाई द एग्जाम. सो आंसर विल बी 5. इज इट क्लियर? मतलब 60% चाहिए. 60% कितना है? 70 के अंदर से 60%, दैट मींस सी रिक्वायर्ड 42 मार्क्स टू पास द एग्जाम. बट सी गेट 37 मार्क्स, सो सी रिक्वायर्ड 5 मोर मार्क्स टू क्वालिफाई द एग्जाम. ओके, सो आंसर विल बी 5. सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन 2016 का क्वेश्चन है. हाँ जी, देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास. कह रहे थे मंथली एवरेज सैलरी, मंथली एवरेज सैलरी पेड टू ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी वाज 5000. द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज वाज 5200 एंड 4200 रेस्पेक्टिवली. देन द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉयड इन द कंपनी इज यस. क्वेश्चन इज क्लियर? क्या है? एवरेज आपके पास गिवन है एंड मैन को कितना पे कर रहे हैं, वोमेन को कितना पे कर रहे हैं, दिस इज गिवन. नाउ द क्वेश्चन इज कि आपका हमको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है मेल एम्प्लॉयड इन द कंपनी. दैट मींस व्हाट? कि मेल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय टोटल एम्प्लॉय इनटू 100, ये हमने फाइंड आउट करना है. तो अभी हमें पता ही नहीं है कि मेल एम्प्लॉयज कितने हैं. तो लेट अस कंसीडर कि मेल जो है हमारे पास में, हम ले लेते हैं एक्स एंड फीमेल हम कंसीडर कर लेते हैं वाई. ओके, अब देखिए जो टोटल सैलरी की अगर हम बात करें तो एवरेज गिवन है. अगर हम एवरेज को नंबर ऑफ पर्सन के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं देन वी विल गेट द टोटल. ओके, तो यहाँ पे देखिए मेल है एक्स एंड सैलरी इज, जो आपके पास में जो मेल है, मेल की सैलरी कितनी है? 5200 एंड फीमेल की कितनी है? 4200. दैट मीन्स कि मेल की टोटल कितनी हो जाएगी आपके पास में? एक्स और फीमेल की 4200x. एंड दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? द टोटल वर्क. अब टोटल यहाँ पे एवरेज कितनी गिवन है आपके पास? 5000 एंड नंबर ऑफ टोटल इज x प्लस y. ओके, यहाँ से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में? दिस इज y, सॉरी, क्योंकि फीमेल कितनी कंसीडर करी है हमने? y, सो दिस विल बी y. And this is 5000x plus 5000y minus करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 200x will be equal to what? 800y. That means x by y will be equal to what? 4/1. हमारे यहाँ से x और y की वैल्यू आ गई. That means x is 4 and y is equal to 1. This is the ratio. Okay? अब क्वेश्चन है कि हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो हमारा रेशियो से ही काम चल जाएगा. तो हमारी परसेंटेज कितनी हो जाएगी? रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मैन, मैन कितने हैं? हमने एक्स कंसीडर किया था, दिस इज 4 एंड टोटल, टोटल विल बी इक्वल टू व्हाट? 4 मैन 1 वुमेन, दैट मींस टोटल इज 5. सो इनटू 5/100 दिस विल बी 80%. ओके, सो 80% विल बी द करेक्ट आंसर. हाँ जी, क्लियर है सभी को? हाँ जी, ओके, सो 80% विल बी द करेक्ट आंसर. हाँ जी सभी का, ठीक है.
सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. अगेन 2016 का क्वेश्चन है. करेक्ट, टू नंबर्स एक्स एंड वाई आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 28% लेस देन द थर्ड नंबर जेड. बाई व्हाट परसेंट इज द नंबर वाई लेस देन नंबर एक्स. यस, ये आपको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दो नंबर है, एक एक्स है एक वाई है, और किससे कंपैरिजन कर रहा है, फ्रॉम ए थर्ड नंबर. एक आपके पास में थर्ड नंबर है, उससे कंपैरिजन कर रहा है जेड से. अब यहाँ पे ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में है. तो अगर हम जेड को, एक्स के जेड को अगर हम कोई भी वेरिएबल की बजाय हम 100 ले लेते हैं, देन इजी हो जाएगा कैलकुलेशन आपकी. सो लेट अस कंसीडर कि जो जेड है दैट इज 100. जेड की वैल्यू हमने कंसीडर कर ली 100. तो यहाँ पे गिवन है कि जो एक्स एंड वाई इज 20% एंड 28% लेस देन व्हाट थर्ड नंबर. तो एक्स कितना हो जाएगा 20% लेस देन, मींस दिस इज 80. ओके, एंड वाई इज 28% लेस, दैट मींस दिस इज 72. दिस इज 72 एंड द क्वेश्चन इज द व्हाट परसेंट इज द नंबर वाई इज लेस देन द नंबर एक्स. यस, हियर यू कैन सी y is 8 less than x. okay, और percentage के अंदर अगर मैंने find out करना है, 8 divided by what, किससे compare करना है हमने, x से. so this will be 10%. okay, so answer will be 10%. हाँ जी, clear है सभी को? हाँ जी, 10% आ गया सभी का. कुछ भी नहीं है, आपने यहाँ पे ना 100% इसको लेके चलना है कि जो टोटल है, जो थर्ड वाला जो नंबर है दैट इज 100%. ओके, अब 100% से उसने कहा है कि 20% लेस है, दैट मींस कि 100 का 20% कितना हो जाएगा आपके पास, 20 लेस है. अब 100 में से आ 20 माइनस करोगे 80 आ गया. आप डायरेक्टली कर सकते हो, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने 100 लिया है. 100 के अंदर से अगर हम डायरेक्टली प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास में डायरेक्टली आ जाएगा. डन, ओके. यस, नेक्स्ट देखते हैं फिर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 2017 का क्वेश्चन है. यस, क्वेश्चन इज p इज 40% ऑफ a प्लस 65% ऑफ b एंड q इज 50% ऑफ a एंड 50% ऑफ b वेयर a इज ग्रेटर देन b. इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. यस, क्या है, P is 40% of A plus 65% of B. Q is 50% of A plus 50% of B. ये आपके पास गिवन है. अब यहां से कह रहा है कि A जो है, this A is greater than B. हाँ जी, देखिए अब आपको बताना है क्या है क्वेश्चन आपका. कह रहा है P is greater than Q. अब यहाँ पे A की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जरूरी तो नहीं है कि हाँ जी A की जो वैल्यू है कोई एक ही पर्टिकुलर होगी. जस्ट इसने ये कहा है कि A is greater than 100. द वैल्यू में भी 190 हो सकती है आपके पास में, ठीक है, 150 हो सकती है, 100 हो सकती है, ठीक है, 110 हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है. और हमें जो वैल्यू ही नहीं पता तो यहाँ से जो वैल्यूज निकल के आएंगे आफ्टर कैलकुलेशन दैट मे बी डिफरेंट, सभी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी. सो वी कांट कंक्लूड कि पी की जो है दैट इज ग्रेटर और क्यू विल बी ग्रेटर और बोथ विल बी इक्वल. सो आंसर विल बी नन ऑफ द अबव कैन बी कंक्लूड विद सर्टेनिटी. सर्टेनिटी से हम कंक्लूड नहीं कर सकते. ओके, देखो एक बार कैलकुलेशन दिखाती हूँ मैं आपको. यहाँ पे देखिए, अगर हम कोई केस लेते हैं कि x की वैल्यू, a की वैल्यू ले ली मैंने 100, b की वैल्यू ले ली 90 और उसने क्या कहा, a इज ग्रेटर देन b का है ना. तो यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करोगे तो p की वैल्यू आ रही है आपके पास 98.5 एंड q की वैल्यू आ रही है आपके पास 95. दैट मीन्स व्हाट, कि p इज ग्रेटर देन q. ओके, बट इफ वी टेक द वैल्यू 150 फॉर a एंड 100 फॉर b, इन दैट केस वी गेट 125 वैल्यू ऑफ द p and 125 for Q, that means P and Q both are equal. If we take value 150 and 100, the condition is only what? A is greater than B. And the condition is following over here. But the value is P is equal to Q.
अगेन इफ वी कंसिडर ए वैल्यू ए इज इक्वल टू 100 एंड बी इज इक्वल टू 20, अगेन कंडीशन अप्लाई हो रही है आपकी एंड फ्रॉम हेयर वी कैलकुलेट पी इज इक्वल टू 53 एंड क्यू की वैल्यू आ रही है आपके पास 75. That means what? P is less than Q. अब यहाँ पे हमें सारे सिंबल मिल गए. पहले मिला मुझे P greater than Q, then P is equal to Q, then P is less than Q. That means what? We can't conclude कि P और Q के बीच में क्या relation बनेगा. Okay? Clear है ये? So next देखते हैं. 2017 का question है. क्या है देखिए. In a city, 12% of household earns less than 30,000 per year. 6% households earn more than 2 lakhs per year. 22% households earn more than 1 lakh per year. And 990 households earn between. अब यहाँ पे देखिए, पहले अपने पास में परसेंटेज गिवन थी, अभी यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आ गई आपके पास 990. And given that कि earn between 30,000 and 1 lakh per year. How many households earn between 1 lakh and 2 lakh per year? This is the question. Yes. Question is clear? क्या कह रहा है देखिए. कह रहा है कि जो 12% है, 12% earn, 12% earn less than 30,000. उसके बाद है कहता है 6%. 6% earn more than 2 lakh. More than 2 lakhs. Then 22% earn more than 1 lakh. Okay. Now, given that 990 households earn between 30,000 and 1 lakh. Between 30,000 and 1 lakh. अब अगर मैं 30,000 और 1 lakh के बीच की person consider करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना आएगा percent. बताओ. अब यहाँ पे देखिए, जो 12% है वो हमारे कैंसिल आउट हो गए. 12% तो नहीं लेंगे ना. क्यों? क्योंकि वो तो लेस देन 30,000 है. उसने कहा कि 30,000 और 1 लाख के बीच के चाहिए. दैट मींस कि 12% हमारा नहीं आएगा. उसके बाद में यहाँ पे क्या है कि जो 6% है दैट आर ग्रेटर देन 2 लाख. उसके बाद में यहाँ पे कह रहा है 1 लाख तक, तो 22% आर ग्रेटर देन 1 लाख. जो 22% जिसकी ग्रेटर देन 1 लाख है, हाँ जी ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर ये भी तो इंक्लूड हो गए ना, जिसकी ग्रेटर देन 1 लाख है. तो जिन पीपल की ग्रेटर देन 2 लाख है, दे विल आल्सो कंसीडर्ड इन दिस. ओके, दैट मींस कि हम इसको भी नहीं कंसीडर करेंगे. डन. तो कितना हो गया ये आपके पास में? ये हमारे पास हो गया दिस इज 34%. दैट मींस कि यहाँ पे जो 30,000 से 1 लाख के बीच में जो लाई करते हैं, दैट आर 66%. हाँ जी, 66% कैसे आया पता चल गया. देखो, टोटल इज 100%. इस 100% के अंदर से, टोटल 100% होता है ऑलवेज. अब इस 100% में से मैंने 30,000 से कम वाले माइनस कर दिए, कितना 12%. ओके, और 1 लाख से ज्यादा वाले माइनस कर दिए, कितना आ गया हमारे पास में 22%. That means 100% minus 34% means 66%. And in the question given that this is 990 households earn between 30,000 and 1 lakh. That means this 60% of total is equal to what? 990. हाँ जी, कितना आ गया 990. दैट मींस टोटल, अब यहाँ पे ये परसेंटेज में है, दैट मींस डिवाइडेड बाय 100. ओके, तो ये अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी टोटल की, हो जाएगा बाय 50. ओके, दैट मींस टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी आपके पास में 50. टोटल कितना हो गया, टोटल हाउस होल्ड्स की पॉपुलेशन है दैट इज 1500. Now total is 1500. Now question is how many household earn between 1 lakh and 2 lakh. 1 lakh और 2 lakh के बीच में कितने earn करने हैं? तो 1 lakh और 2 lakh की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास 1 और lakh, 2 lakh के बीच में कितने हैं? ये देखिए, यहाँ से ये है 1 lakh के, ये क्या कह रहा है, greater than 1 lakh, greater than 1 lakh.
और ये क्या है ग्रेटर देन 2 लाख, दैट मींस कि आपके पास में जो 1 लाख से 2 लाख के बीच के हैं वो कितने हो जाएंगे। देखिए ये पूरा जो है ये वाला जो पार्ट है, यस देखिए ये जो 22% है, इस 22 के अंदर ये जो 6% है वो भी लाई कर रहे हैं, वो भी लाई कर रहे ना, जिसमें कि 2 लाख से ऊपर के हैं वो तो 1 लाख से ऊपर हो ही गए। दैट मीन्स कि अगर मैं बात करती हूँ किसकी, 1 लाख से 2 लाख के बीच की, तो वो कितने हो जाएंगे आपके पास में, दैट विल बी 12%, 22 माइनस 6, दैट मीन्स 16% हो जाएंगे। दिस पॉइंट इज क्लियर कि मैंने 16 क्यों लिया। ये यहाँ पे देखो कह रहा है कि 22% है जिसकी, जिन हाउस होल्ड की जो आपकी अर्निंग है दैट इज ग्रेटर देन 1 लाख एंड 6% इज ग्रेटर देन 2 लाख एंड द पर्सन दिस 6% इज आल्सो लाइंग बिटवीन दिस 1 लाख ग्रेटर देन 1 लाख। ओके, तो हम इसके अंदर से अगर इसको माइनस कर देंगे देन वी विल गेट द पीपल हाउस होल्ड्स हुज अर्निंग इज बिटवीन 1 लाख एंड 2 लाख, सो दिस विल बी 16%। एंड ये कितना हो जाएगा आपका 16% ऑफ टोटल, एंड टोटल इज व्हाट 1500। टोटल कितना आ रहा है आपके पास में, 1500 आ रहा है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, टू फोर्टी विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी क्लियर है सभी को, कितना आ गया 240 आ जाएगा। ओके डन, ओके यस। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 2018, यस क्वेश्चन इज ए स्टूडेंट हैज टू गेट 40% मार्क्स, ए स्टूडेंट हैज टू गेट 40% मार्क्स टू पास इन द एग्जामिनेशन, सपोज ही गेट 30 मार्क्स, सपोज ही गेट 30 मार्क्स एंड फेल बाय 30 मार्क्स, 30 आ गए फिर भी 30 से फेल हो गया, दैट मींस कि उसको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 60 मार्क्स चाहिए, दैट मींस कि पासिंग मार्क्स कितने आ गए आपके पास में, 30 उसके आए हैं और 30 से वो फेल हो गया, दैट मींस कि 30 अगर उसके और आ जाते तो वो पास हो जाता, दिस इज 60 मार्क्स, देन हाउ देन व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, दैट मींस कि उसके 60 मार्क्स आए हैं एंड दिस इज व्हाट 40% ऑफ द टोटल मार्क्स। ओके 15 ये 60 उसके मार्क्स आए हैं और उसने कहा है कि पास होने के लिए कितना चाहिए 40%, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक सभी को आता होगा ये, क्या कह रहा है कि 40% ऑफ टोटल और यू कैन से मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 60, क्लियर, तो आपके पास में मैक्सिमम मार्क्स कितने आ जाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास में 150, क्लियर। हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गया, कितना आ गया 150 आ गया ना, देखो ये हो जाएगा 20 दूनी 40, कितना आ गया 150 आ गया, सिंपल है, सो आंसर विल बी 150। यस नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस 2019 का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, राजू हैज 9000 विद हिम, राजू हैज 9000 विद हिम एंड ही वांट्स टू बाय ए मोबाइल हैंडसेट, ही वांट्स टू बाय ए मोबाइल हैंडसेट, ओके बट ही फाइंड्स दैट ही हैज ओनली 75% ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बाय द हैंडसेट, क्या कह रहा है कि उसके पास सिर्फ कितना है 75% है, दैट मींस कि जो हमारा मोबाइल फोन है, जो मोबाइल है उसका कितना है, उसको 75%, ठीक है ना, इसका 75% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द मोबाइल इज इक्वल टू व्हाट, क्या कह रहा है ये 9000 है, 75% डन, दैट मींस कि जो हमारा मोबाइल सेट है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, कितनी है उसकी 12000 आ गई, दैट मींस कि जो मोबाइल फोन है दैट इज ऑफ 12000, इज इट क्लियर, उसने कहा है कि जो मोबाइल फोन है उसका उसके पास 75% है अमाउंट एंड दिस 75% किसके इक्वल है, उसके ने ये भी कहा है कि उसके पास 9000 रुपीज़ भी, 75% भी उसने बता दिया मुझे और 9000 भी, दैट मींस वी कैन इजीली फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ द मोबाइल, यस क्लियर है। हाँ जी तो अब आगे आपके पास में क्या है क्वेश्चन,
सी रिक्वायर्ड टू बाई द हैंडसेट, देयर फोर ही बोरोज 2000 फ्रॉम ए फ्रेंड। तो उसने क्या किया कि उसके पास कितना था टोटल 9000 था और उसने 2000 अपने किसी फ्रेंड से ले लिया। अब उसके पास कितना हो गया 11000 हो गया। यस देन व्हाट आर द स्टेटमेंट, राजू स्टिल डज नॉट हैव एनफ मनी टू बाय द हैंडसेट। कह रहा कि राजू के पास अभी भी पूरा पैसा नहीं है। यस नहीं, अभी उसको 1000 की और रिक्वायरमेंट है ना। तो ये आपके करेक्ट है, डन क्लियर है। एक बार दूसरी बाकी की स्टेटमेंट्स भी मैं बता देती हूं, वैसे आंसर आपका आ गया, बाकी देख लेते हैं। क्या है, राजू हैज एग्जैक्टली द सेम अमाउंट, सेम अमाउंट है नहीं है। राजू हैज एनफ मनी टू बाय द हैंडसेट एंड ही विल हैव 500 विद हिम आफ्टर बाइंग द हैंडसेट, दिस इज अगेन रॉन्ग। जब उसके पास टोटल 11000 आया है, टोटल जो मोबाइल है उसकी कॉस्ट कितनी है 12000 है, दैट मींस ही डोंट हैव द सफिशिएंट मनी ना। अब ये क्या कह रहा है, राजू हैज एनफ मनी टू बाय द हैंडसेट, 1000 उसके पास एक्स्ट्रा रह जाएंगे, ये भी रॉन्ग है। सो आंसर विल बी फर्स्ट, ओके। यस नेक्स्ट देखते हैं। यस नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस 2019 का ही क्वेश्चन है। क्या है, ए एंड बी आर टू हैवी स्टील ब्लॉक्स, इफ बी इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए द वेट इज इंक्रीज्ड बाय 60%। हम ये मान लेते हैं हमारे पास में दो ब्लॉक्स है, दिस इज ए एंड इट्स वेट इज 100 kg। 100 क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे आगे आपके पास परसेंटेज में सो इजी हो जाएगा आपका, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके ऊपर अगर हम बी को प्लेस कर देते, एक दूसरा ब्लॉक है बी, ठीक है, कह रहा है कि द वेट इज इंक्रीज्ड बाई 60%। वेट कितना इंक्रीज हो गया, ए और बी दोनों का 100 से कितना हो गया, जब एक के ऊपर दूसरे को हम प्लेस कर रहे हैं तो क्या हो गया, टोटल जुड़ जाएगा दोनों का वेट। तो ये कह रहा है कि कितना बढ़ गया 60%, 100 से कितना हो गया 160, दैट मीन्स जो बी है, बी का वेट कितना आ गया हमारे पास में 60 kg आ गया। इज इट क्लियर। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ मच वेट विल रिड्यूस with respect to the total weight of A and B if B is removed from the top of A। अगर B को हम remove कर दे टॉप से, अब पहले A के ऊपर B को रखा तो कह रहा है कि 60% बढ़ गया, that means कि 160 हो गया। अब कह रहा है कि अगर B को हम हटा दे, हटाएंगे तो अब किसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे हम, टोटल के, भी टोटल से ही कम होगा ना। तो अब अगर B को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो अपने पास में जो वेट है वो कितना कम होगा, रिड्यूस हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। अब 60 रिड्यूस हुआ है इन कंपैरिजन ऑफ व्हाट, टोटल, टोटल इज 160, दैट मीन दिस इज 160। परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, आ गया आंसर सभी का, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 1/8 इज इक्वल टू 12.5%, तो ये कितना हो गया 37%, दैट मीन 37.5%, ओके। सो 37.5% विल बी द करेक्ट आंसर, डन। बस यहाँ पे ध्यान रखना, देखो पहले उसने जो कंपैरिजन किया है, जो परसेंटेज है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के कंपैरिजन किया उसने, ठीक है। जब उसने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जब उसको रिमूव किया गया है, देन द कंपैरिजन विल बी विद टोटल वेट। अब टोटल वेट कितना हो गया हमारे पास 160, सो यू विल डिवाइड इट बाय 160 ओवर हियर, ओके। यस नेक्स्ट देखिए, कह रहा है इन अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ सिटी, यस क्वेश्चन इज ऑफ 2020, इन अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी 40% मैन एंड 30% वुमेन आर मैरिड, 40% मैन एंड 30% वुमेन आर मैरिड, what is the percentage of married adult population if no man married more than one woman, ek ki marriage dusre ke sath, ek man ek woman and no woman marries more than one man, same thing and there is no widow and widower, yes good question। yahan pe kya keh raha hai ki jo 40% of man hai na, this is equal to what, 30% of woman, 30% of woman, yahi keh raha hai। to agar main yahan pe ये कंसीडर करो कि जो मेरी टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उस टोटल पॉपुलेशन के अंदर से ही तो कुछ मैन और वुमेन है हमारे पास, कुछ मैन और वुमेन है, वो किस में से है, टोटल पॉपुलेशन के अंदर से ही है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो टोटल पॉपुलेशन है ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया आपके पास में 100 क्यों ले रहे, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, सीसीज
100. अब इसके अंदर से मैंने कहा भाई मैन जो है, मैन कितने हैं, हमने कहा कि मैन कितने हैं, एक्स है, मैन कितने हैं, एक्स है, वुमेन कितनी है, अब टोटल इतने हैं, उसके अंदर से अगर मैं मैन को माइनस कर दूं देन आई विल गेट वुमेन, सो वुमेन कितनी आ गई, 100 माइनस एक्स आ गई। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या कहा था, 40% मैन एंड 30% वुमेन आर मैरिड, 40% ऑफ मैन दैट मींस कि 40% ऑफ मैन एंड 30% ऑफ वुमेन, वुमेन कितनी है, 100 माइनस आर मैरिड, और सभी का यहाँ पे उसने पहले कह दिया कि सभी जो मैन है, मैन सिंगल वुमेन के साथ मैरिड है, मैरिड वुमेन सिंगल मैन के साथ वो मैरिड है, नो विडो विडोवर, दैट मींस कि जो मैरिड मैन और वुमेन है दे शुड बी इक्वल, इक्वल होने चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसको इक्वल पुट कर दिया, डन। सो दिस विल बी 4x इज इक्वल टू 300 माइनस 3x, दैट मींस 7x विल बी इक्वल टू व्हाट, 300 मींस x इज इक्वल टू व्हाट, 300 बाई, ओके x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 300 बाई 7 आ गया यहाँ से। अब देखो ये हो गया हमारे पास में टोटल मैन, अब उसने क्या कहा है कि जो मैन है, मैन है उसके अंदर से 40% आर मैरिड, 40% आर मैरिड, दैट मींस कि जो मैरिड मैन है दे विल बी इक्वल टू व्हाट, 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैन, डन, दैट मींस 120/7 एंड वन मैन इज मैरिड विद वन वुमेन, दैट मींस वन कि जो मैरिड वुमेन है वो भी इक्वली होंगी 120/7, दैट मींस कि जो टोटल मैरिड हैं वो कितने हो गए 240/7 हो गए, टोटल मैरिड कितने हो गए 120/7 मैन 120/7 वुमेन, दोनों को ऐड कर दिया हमने, कितना आ गया आपके पास 240 आ गया, डन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन, परसेंटेज कितनी है, तो ये कितने में से है आउट ऑफ 100, टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, हमने 100 कंसीडर की थी, दैट मींस दिस विल बी द एग्जैक्ट परसेंटेज, सो परसेंटेज विल बी 240/7, ओके। देखिए क्या कह रही हूं मैं, जो परसेंटेज है 240/7 है, कितने में से 100 में से परसेंटेज फाइंड आउट करी, सो तो ये तो बच्चे कैंसिल आउट हो जाएगा ना आपका, तो अगेन क्या बचेगा 240/7, दिस विल बी 2/7%, सो आंसर विल बी व्हाट 34:2/7%, इज इट क्लियर, क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, हाँ जी देखिए टोटल पॉपुलेशन कंसिडर कर लिया हमने 100, जिसमें से मैन है एक्स, तो वुमेन कितनी होगी, टोटल में से मैन को माइनस कर दिया वुमेन आ गई, ठीक है। अब उसने कहा कि जो मैन है दैट इज 40% मैन मैरिड एंड 30% वुमेन मैरिड, और दोनों इक्वली तो होंगे, मैन की वुमेन के साथ में मैरिज हुई तो दोनों इक्वल होंगे, तो हमने दोनों को यहाँ से इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकाल ली, और एक्स क्या था हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैन, अब टोटल नंबर ऑफ मैन आ गया आपके पास 300/7, अब इसके अंदर से 40% जो है वो है मैरिड, दैट मींस कि मैरिड कितने आ गए हमारे पास 120/7 एंड मैन एंड मैरिड वुमेन विल बी इक्वल, सो वुमेन भी कितनी होगी आपके पास 120/7, दैट मींस द टोटल मैरिड कपल, द टोटल मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन इज 240/7 एंड दिस इज 240/7 इज आउट ऑफ 100 ना, हमने टोटल कितना कंसिडर किया था 100, दैट मीन्स कि अपने पास जो परसेंटेज है दिस विल बी सेम, ये करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली दिस इज योर आंसर, ओके यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज ए रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी, ए पर्सन इज एबल टू परचेज 6 kg लेस राइस इन ₹1200, बट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस पर केजी, यस 2020 का क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आप यहाँ पे कह रहा है कि जो परसेंटेज है प्राइस का, ठीक है, ओरिजिनल से 25% बढ़ गया है, तो हम ये मान लेते हैं कि ओरिजिनल अगर वो 100 का था तो न्यू प्राइस कितना हो गया 125 हो गया, यस न्यू प्राइस इज 125, ओके यस। तो अब यहाँ पे आप देखो कि जो रेशियो है, रेशियो कितनी आ जाएगी, दिस इज 4:5, दिस इज 4:5,
अब रेशियो ये है आपके पास में प्राइस की रेशियो, ठीक है। अब कंजप्शन वो क्या कह रहा है कि अगर प्राइस बढ़ गया तो अब वो कम खरीद पा रहा है, कितना कम खरीद पा रहा है, 6 kg, ठीक है। दैट मीन कि जो कंजप्शन है वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन दिस विल बी 5:4। पहले वो 5 कंज्यूम कर रहा था, अभी वो 4 कंज्यूम कर रहा है। हेयर आवर डिफरेंस इज इक्वल टू 1, बट इन द क्वेश्चन दिस डिफरेंस इज इक्वल टू 6 kg। दैट मीन्स वाट, कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 kg, सो 5 यूनिट विल बी इक्वल टू 30 kg एंड 4 यूनिट विल बी इक्वल टू 24 kg। यस, इज इट क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर केजी। अब टोटल वो कितना खर्च कर रहे हैं, टोटल कितना है, 1200 रुपीज है। अब जो ओरिजिनल था, ओरिजिनली वो कितना कंज्यूम कर रहा था, 30 kg, टोटल प्राइस फॉर 30 kg। सो जो प्राइस हो जाएगा, प्राइस कितना हो गया आपका, मैं कितना ले रहा था वो 30, दैट मीन्स 40 rupees पर केजी। 1 kg का प्राइस कितना हो गया, 40 rupees, सो 40 विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? देखो कितना इजीली, कुछ नहीं करना आपने, जो प्राइस है, प्राइस की रेशियो निकाल ली, और हमें पता है कि जो कंजप्शन एंड प्राइस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मींस कि अगर प्राइस ज्यादा होगा तो सेम मनी के अंदर हम कम खरीद पाएंगे, ठीक है। अगर प्राइस कम होगा तो हम सेम मनी में ज्यादा खरीद पाएंगे, मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है एक दूसरे का, तो हमने यहां से उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया। एंड हेयर द डिफरेंस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज गिवन एज 6 kg, सो द ओरिजिनल कंजप्शन वाज 30 kg एंड न्यू कंजप्शन इज 24 kg। अब आपके पास चाहिए कंजप्शन पूछ ले वो क्वेश्चन के अंदर, चाहिए आपके पास प्राइस पूछ ले, कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो ना इजीली। ओके, यस यस, दिस इज सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, नोट द क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर। ओके, क्योंकि 15 क्वेश्चन तो हमने करने ही है क्लास के अंदर, तो ये आपके पास में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। देखिए क्या कह रहा, लास्ट ईयर देयर वर 610 बॉयज इन ए स्कूल। लास्ट ईयर कितने थे, 610 बॉयज थे स्कूल के अंदर। देन द नंबर डिक्रीज्ड बाय 20% दिस ईयर। कह रहा है कि अभी जो है कितना हो गया, 20% कम हो गए। दैट मींस कि नाउ प्रेजेंटली अभी हमारे पास में कितने रह गए, 80% रह गए। ये यही तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि द नंबर डिक्रीज 20% दिस ईयर, दैट मीन्स कि नाउ द बॉयज आर 80% ऑफ द प्रीवियस ईयर। ओके, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट, कैलकुलेशन बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 175% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। दैट मीन्स कि वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज, तो पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। सो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए आपके पास में, 488 बॉयज हैं करंटली। अब कह रहा है कि जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स कितनी हैं आपके पास, दिस इज 175% ऑफ द बॉयज। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास में 854, सो 854 विल बी द करेक्ट आंसर। यस, क्लियर? कितना आ जाएगा, 854 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या किया हमने, पहले उसने कहा कि जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज था तो नेक्स्ट ईयर उसकी 20% कम हो गए। दैट मीन जब भी आपके पास लेस कह रहे हैं तो माइनस कर दीजिए, इंक्रीज कह रहा है तो प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पे उसने डिक्रीज कहा था तो हमने क्या किया, उसका 80% निकाल लिया। दैट मीन्स कि इन दिस ईयर वी हैव 488 बॉयज इन द स्कूल, ठीक है। अब उसके बाद में कह रहे हैं कि जो गर्ल्स है देट आर 175% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन दिस ईयर, देन दिस ईयर वी हैव 488 बॉयज, 488 का 175% हमने फाइंड आउट किया, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास में 854, सो 854 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑन द ऑन परसेंटेज ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि हाँ जी सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर रहे हो, देन इट्स गुड, बट अगर आपको लगता है कि हाँ जी मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, देन यू कैन टेक ओनली द परसेंटेज सेक्शन। ओके, तो परसेंट आपकी जो माइक्रो कोर्सेज है उसके अंदर परसेंटेज का सिर्फ, उसमें सभी कोर्सेज हैं
लाइक परसेंटेज हो गया आपके पास, प्रॉफिट लॉस सारे हैं तो वहाँ पे भी अवेलेबिलिटी है। दूसरा ये है कि इसके साथ साथ में एक टेस्ट भी अवेलेबल है, ठीक है, टेस्ट को भी अटेम्प्ट करिए। टेस्ट के अंदर अगेन आपको 20 क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो वो टेस्ट भी आप अटेम्प्ट करो, तो परसेंटेज के ऊपर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, सो इट वॉज ऑल फॉर टूडे, थैंक यू सो मच।